पूछना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से ये सारा मामला किया गया है और जिस तरीके से एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा ये राग अलापा गया है, तो वज़ीरे आज़म के इर्द गिर्द बैठे चंद अशख़ास जिन्होंने ना सिर्फ इस मंसूबे की अलाइनमेंट को तब्दील करवाया बल्कि अपनी ज़ाती हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा देने के लिए पूरे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मैं ये बात वाज़े कर देता हूँ कि ये जो 2.3 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा जिन लोगों को अदा किया गया है, उनमें मेजॉरिटी उन लोगों की शामिल है जो जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान के फ्रंट मैन हैं। ये रिंग रोड का मंसूबा मियां शहबाज शरीफ के दौर में 2017 में मंजूर किया गया और ये 40 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, मगर इसके अंदर अब इस हुकूमत ने 26 किलोमीटर ऐड करके इसको 66 किलोमीटर का इसका फासला कर दिया और इसमें दो इलाके वज़ीर आज़म के मुशीरों के कहने पर ऐड किए गए। एक नोवा सिटी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है जो वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान और उनके भाई की मलकियत है और उसकी मंजूरी भी इसे दौरे हुकूमत में दी गई थी। इस रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज की गई और उसको नोवा सिटी जिसके माले ग़ुलाम सरवर ख़ान है उसके दरवाजे तक पहुँचाया गया और एक अटक लूप के नाम से इसमें एरिया ऐड हुआ है जिसका सब फ़ायदा ग़ुलाम सरवर ख़ान, उनके उनसे ताल्लुक रखने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स और उनके भाई और उनकी हाउसिंग सोसाइटी को पहुंचता है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस रिंग रोड की तवालत में मजीद इजाफा किया गया और 1 किलोमीटर इस्लामाबाद तक भी इसको ले जाया गया। इस्लामाबाद का सेक्टर C17 जो संगजानी नामी गांव के साथ मुल्हिका इलाका है, ये सड़क वहाँ भी पहुँचाई गई क्योंकि जुल्फी बुखारी के ख़ानदान के लोगों की आबाई ज़मीनें वहाँ पर हैं। बहुत सारी ज़मीन वहाँ पे भी ख़रीदारी की गई और ये ग़ुलाम सरवर ख़ान और जुल्फी बुखारी को जो फ़ायदा दिया गया है और इस कौम का 2.3 अरब रुपया मनपसंद लोगों को अदा किया गया है, ये दिन दहाड़े डकैती है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान इसके बेनामी हैं और उन्होंने जानते बूझते हुए अपनी नाक के नीचे ये डाका डलवाया है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि जब हमारे दौर में ये 40 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई तो आपने इसके अंदर इजाफी 26 किलोमीटर क्यों डाले और क्या उन 26 किलोमीटर के अंदर ग़ुलाम सरवर ख़ान और जुल्फी बुखारी की ज़ाती प्रॉपर्टी शामिल नहीं है? क्या उन 26 किलोमीटर के अंदर इनकी हाउसिंग सोसाइटियां शामिल नहीं हैं? आपने सरकार के तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए की मीडिया से गुफ्तगू आप बराए रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी।